हेलो फ्रेंड्स, दिवाकर एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एड मेटा बॉक्सेस हुक का यूज करेंगे। तो मैंने एड मेटा बॉक्सेस का डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर रखा है, आप यहां से देख सकते हैं। तो ये मेटा बॉक्स होता क्या है, तो चलिए देखते हैं। जैसे आपके डिफॉल्ट पोस्ट हैं, या पोस्ट हो गया, पेज हो गया, आप या कस्टम सीपीटी बनाओगे, मतलब कस्टम पोस्ट टाइप बनाओगे, तो अगर जैसे मैं पोस्ट पे क्लिक करता हूँ, तो इसमें जो भी आपको दिख रहा है फील्ड, इसके अलावा अगर कोई एडिशनल फील्ड आपको क्रिएट करनी है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन सेव करने के लिए, तो आप कस्टम मेटा बॉक्स क्रिएट करोगे। तो चलिए ये अभी गुटनबर्ग एडिटर अभी दिख रहा है, इसे मैं डिसेबल कर देता हूं तो ज्यादा से आपको समझ में आएगा। अगर गुटनबर्ग के बारे में डिटेल वीडियो डिटेल में आपको जानकारी चाहिए, तो मैंने एक एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखा है। तो मैं प्लगइन्स पे गया और यहाँ से एक प्लगइन ऐड कर लेता हूँ, क्लासिक एडिटर ऐड कर लेता हूँ। एक्टिवेट कर लिया फ्रेंड्स, यहां से अब इससे क्लासिक एडिटर मेरा इनेबल हो जाएगा। अब मैं पोस्ट पे जैसे क्लिक करूंगा, किसी एक पोस्ट को मैं एडिट करूंगा, तो आप देखेंगे कि गुटनबर्ग एडिटर नहीं, अब क्लासिक एडिटर यहां पे यूज हो रहा है। देख रहे हैं पुराना एडिटर, जैसे आप देख रहे हो ये टाइटल हो गया, कंटेंट हो गया, ये सारे जो ड्रैग एंड ड्रॉप वाले सब मेटा बॉक्स है। इसके अलावा हमें जो एडिशनल फील्ड चाहिए, फील्ड क्रिएट करना है, तो हम लोग मेटा बॉक्स का यूज करेंगे, चाहे वो पोस्ट हो या पेज हो या कस्टम पोस्ट टाइप हो। तो अगर आप मेटा बॉक्स के बारे में भी डिटेल में जानना चाहते हैं, तो मेरा पहले से एक प्लेलिस्ट क्रिएट है मेटा बॉक्स का, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैं इस ट्यूटोरियल में सिर्फ हुक्स के बारे में बता रहा हूँ, तो एड मेटा बॉक्सेस के बारे में बताऊंगा, लेकिन आपको अगर डिटेल में मेटा बॉक्स के बारे में सीखना है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फील्ड्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं, जैसे डेट पिकर हो गया, कलर पिकर हो गया, एडिटर हो गया, इस तरह के, तो आप मेरा चैनल पे विजिट कीजिए और मेटा बॉक्स का प्लेलिस्ट आप फाइंड करके उसमें वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, इसमें मेटा बॉक्स ऐड करते हैं। तो मैं हुक का नाम लिखता हूँ ऐड एक्शन, और उसके बाद ऐड मेटा बॉक्सेस, और मैं लिख देंगा माय कस्टम मेटा बॉक्स लिख देता हूँ। माय की जगह पर डी ए लिख देता हूँ, दिवाकर एकेडमी का शॉर्ट फॉर्म, और इसे मैं सेव कर लिए, इसे कॉपी कर लेता हूँ और फंक्शन इसे पेस्ट कर दिया। अब मुझे मेटा बॉक्स ऐड करना है, तो आप ऐड मेटा बॉक्स नाम का एक फंक्शन होता है, उसे यूज करना है। तो मैं डॉक्यूमेंटेशन पे जाता हूँ और नीचे स्क्रॉल करने पे आप देखोगे कि यहाँ पे ऐड मेटा बॉक्स है। इसको मैं सिंपल कॉपी यहाँ से कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। ये मेरा मेटा बॉक्स का आईडी है, तो यूनिक आईडी देना है, तो मैं लिख देता हूँ आईडी टाइटल कर देता हूँ, या डीए नेम कर देता हूँ, इसमें नेम सेव कराऊंगा मैं, ठीक है, डीए नेम। यहाँ पे फील्ड का नाम तो मैं लिख देता हूँ नेम, ठीक है, और यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन है, कॉल बैक फंक्शन में लिख देता हूँ DA अंडरस्कोर नेम कॉल बैक FUNC। और कहाँ पे दिखाना है आपको, पोस्ट में दिखाना है, स्क्रीन में आपको पोस्ट में दिखाना है तो पोस्ट में, अगर पेज में दिखाना है तो यहाँ पे पेज टाइप कर दो, अगर कोई पोस्ट टाइप हो जैसे इवेंट पोस्ट टाइप हो तो इवेंट लिख देना, मूवी लिखना है तो मूवी लिख सकते हो,
जो पोस्ट टाइप का आपका नाम हो यहाँ पे देना है। फिलहाल मैं इसे पोस्ट ही रहने देता हूँ क्योंकि मैं पोस्ट पे ही डिफॉल्ट पोस्ट टाइप पे। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट नॉर्मल रखना है, प्रायोरिटी डिफॉल्ट अगर चाहे इसको कॉन्टेक्स्ट को अगर साइड कर दोगे तो ये साइड में दिखेगा। पहले मैं इसको रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। ये नीचे यहाँ पे दिख जाएगा आपको। यहाँ पे मैंने कॉल बैक फंक्शन डिफाइन नहीं किया इसलिए सही रह रहा। फंक्शन कंट्रोल भी, और इसे मैं सिर्फ डिफाइन कर देता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ इको मेटा बॉक्स। कस्टम मेटा बॉक्स इसे सेव कर लेता हूँ और इसे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि ये इशू डीएमए नॉट फाउंड इन वैलिड नेम। एक मिनट, यहाँ पे मैंने गलती कर रखी है, डीए नहीं लिख रखा है। इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे फिर से पेस्ट कर देता हूँ। अब रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स। देख सकते हो फ्रेंड्स ये मेटा बॉक्स। अगर आपको अगर साइड में चाहिए तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट चेंज करना है आपको, जैसे साइड कर दूंगा तो यहाँ पे साइड में आ जाएगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स इसको अगर ऊपर लाना है तो यहाँ पे डिफॉल्ट की जगह पे हाई कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स ऊपर आ गया। अब इसमें हम लोग एक फील्ड क्रिएट करते हैं तो फील्ड में क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे फॉर्म फील्ड डिस्प्ले करना है तो डिव लेवल फॉर आईडी लिख देता हूँ, डी अंडरस्कोर नेम और लेबल में लिख देता हूँ नेम। इनपुट टाइप नेम वैल्यू और ब्लैंक कर देता हूँ, इसमें कुछ नहीं डालना है अभी। जब वैल्यू फेच करेंगे मेटा बॉक्स से तो इसमें डालेंगे हम लोग नेम इक्वल टू डीए नेम। ठीक है, इस तरह से मैंने सेव करा दिया। देख सकते हो फ्रेंड इस तरह से मैंने कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, इसमें पहले नॉन्स वेरीफाई कर लेता हूँ। नॉन्स वेरीफाई करने के लिए आपको नॉन्स फील्ड क्रिएट करने पड़ेंगे तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डब्ल्यू पी नॉन्स फील्ड और यहाँ पे बेस नेम बेस नेम अंडरस्कोर फाइल और उसके बाद फील्ड का नेम आपको देना तो मैं लिख देता हूँ डब्ल्यू पी डी ए पोस्ट पोस्ट नॉन्स कर लेता हूँ। इस तरह से आप नॉन्स क्रिएट कर सकते हो, ये सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। आप इसे जरूर क्रिएट करें, नॉन्स वेरीफाई करें। तो इस तरह से अपने एड मेटा बॉक्स का यूज करके हुक का यूज करके इस तरह से आप फील्ड क्रिएट कर सकते हो।
इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इसकी वैल्यू सेव कराएंगे, सेव मेटा, सेव पोस्ट का यूज करके, हुक का यूज करके। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना ताकि आपको ये दोनों अच्छे समझ में आ जाएगा। और ज्यादा इसको डीप में सीखना है तो मेरे प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं जाके। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन दबा देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।